महाराष्ट्र सरकार ने दूध डेयरियों को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर प्लास्टिक की थैली का बायबैक शुरू नहीं हुआ तो उन पर कार्रवाई होगी। यानी अगर दूध कंपनियां बायबैक शुरू करती हैं तो दूध महंगा हो सकता है। तो बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में महंगा हो सकता है दूध। 15 दिन में जो पॉलीबैग है जिसमें दूध पैक होकर आता है उसके बायबैक की सख्त तौर पर चेतावनी दी गई है। बायबैक का भाव 50 पैसे से कम नहीं होगा। बायबैक यानी दूध की खाली थैली वापस ग्राहकों से खरीदना इसमें शामिल होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में महंगा दूध हो सकता है। सुबोध मिश्रा जी बिजनेस संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ तैयारी है? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि जो प्लास्टिक बंदी को लेकर के जो महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है उसने पिछले साल ही 23 मार्च को नोटिफिकेशन दे दिया था, सभी जो रिटेलर्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं सभी को दे दिया था। लेकिन उसी में सबसे बड़ा जो मामला फंस रहा था वो फंस रहा था दूध थैलियों को लेकर के, कि जो दूध विक्रेता है आखिरकार वो किस तरह से इसको करें। उसको लेकर के जो सरकार है उसने बायबैक जो निज़म है उसकी बात की थी, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दूध कंपनी के, कि आप जो भी थैली जो है खाली थैली है उसको बाई बैक करिए ताकि जो भी थैली है उसकी रिसाइकलिंग प्रॉपर हो सके और उसका जो है वो प्लास्टिक की उसमें ना आ पाए और लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक बंदी को प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन करीब एक साल होने को आ रहा है, इसी साल की फरवरी लास्ट डेट थी फरवरी में जब सरकार ने बोला था कि बाई बैक मैकेनिज़म ले आए, जो भी कंपनियां हैं क्या पैसा रखेंगे वापस लेने के लिए, ये सारी चीज़ हुई। लेकिन अभी 3 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी कंपनी ने कोई भी संतुष्ट जो है जवाब नहीं दिया। इसको लेकर के सरकार बहुत सख्त हो गई है और उसने बोला है कि अगले 15 दिन में अगर बायबैक मैकेनिज्म नहीं शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर प्लास्टिक बंदी होगी। इसका जो सबसे बड़ा सीधा जो असर गिरेगा वो आम लोगों पर गिरेगा, क्योंकि अगर प्लास्टिक की थैलियाँ बंद हो जाती हैं तो दूध का जो एक जगह से दूसरे जगह जाना और लोगों तक पहुंचना वो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है कि अगर टेट्रा पैक या और पैकेजिंग में अगर दूध दिया जाता है तो दूध महंगा हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे सीधा असर आम लोगों पे पड़ेगा। बिल्कुल। और अभी जो कंपनियां हैं इसको किस तरह से लेती हैं, 15 दिन में होता है नहीं है, और सरकार इसको किस तरह से सख्ती लेती है ये अभी सवाल होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुबोध आपका इस अहम जानकारी के लिए। और वाकई एक बड़ा कदम है ये, और देखते हैं कितना कारगर होता है।